3 दिन बाद। तो नमस्ते, स्वागत है आप सबका वन टू ऑफिशियल में। तो अभी शाम का वक्त है और हम सब लोग इधर सड़क पे बैठे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर। और दोस्तों मंटू का मोबाइल क्या मोबाइल है, कितना अच्छा आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दिखाने जी नहीं लगती। हाँ इतना अच्छा आता है दोस्तों ना कि फ्रिज में रखना पड़ता है तब जाकर चलता है इतने देर में। अरे दोस्तों अभी बाबी बाबू जो है अपना गाड़ी अपना वो इस बता चला रहा था और गिर गया। देखिए कैसे रो रहा है, ये देखिए दो ही दांत चूहे का दिखता है बस एकदम से। हाँ मर लल्ला गिर गया, साइकिल पे से गिरा है दोस्तों। अब बैठ भी नहीं रहा है। हाँ और बैठ भी नहीं रहा डर के मारे। अब इतना ज्यादा डर हो गया बताओ भला। यही होता है बचपन। देखिए कैसे कैमरे में देख रहा है अपने आपको। दे 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 काव दे का दे। तो दोस्तों देखिए हम सभी लोग बैठे हुए हैं जो कि रेल बना रहे थे और यहाँ पे हमारी परी है और दिखा रहा है उड़ा रहे तंदा। हाँ दोस्तों बोले ऊपर आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छे अच्छे नहीं हो उम्मीद करते हैं मतलब बोले नहीं। तन ऋषि बुला देव कह दे ऋषि आवा भैया। ऋषि ने कहा भैया के निकाल भैया। तो दोस्तों अभी दोस्तों सालू भाभी भाभी का जो बाबू है वो जो है उसके मुंह में चोट लग गया है। हाँ दोस्तों ढक्कन उक्कन निकल गया था यहाँ कहीं अटक गया था। दोस्तों तबीयत बाबू का खराब है तो ले गए हैं सब पादिर बाजार। हाँ। और दोस्तों हम लोग गए थे घर पे तो थी नहीं, चली गई थी लेकर बाबू को। अभी तक आए नहीं दोस्तों। हम सुने हैं कि 5 बजे डॉक्टर आएंगे। 5 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे नंबर लगेगा। तो मान लीजिए अभी कितना नंबर लगा होगा तब उतने लोग बाद देखेंगे तो हमें लगता है 8-9 बज जाएगा दोस्तों। देखिए कितना टाइम होता है। एक तो छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं दोस्तों कि कुछ बताएंगे बस चिल्लाएंगे अपने आप से समझना रहता है तो और ज्यादा घबरा जाता है लेकर के। अब देखिए डॉक्टर क्या बताते हैं, शायद यहाँ टूट गया है अंदर निकालते वक्त उस ढक्कन को तो इसीलिए बहुत ज्यादा रो रहा था। तो लेकर के भैया भाभी हैं हॉस्पिटल, दिखा करके आएंगे तब जाएंगे सब लोग मिलने देखते हैं फिर डॉक्टर क्या बताए हैं। और इधर भाभी हैं, भाभी बोला क्या बोले दोस्तों बहुत टेंशन हो गया बाबू तबियत खराब है तो अच्छा नहीं लगा। बस ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर आए थे तो उन लोग को वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए हम लोग वीडियो बनाए हैं। और क्या कहे दोस्तों वीडियो बनाना हम लोग का काम बिल्ली। हाँ ठीक से बिल्ली थे हम कहते का हुए वही आपकी हमको दूध देंगी आप बोला अभी। तो दोस्तों क्या बोले, बोलने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसे हम लोग सारे लोग बहुत सब लोग यहीं पर बैठे दोस्तों सारे लोग सलोनी और अस्तोस और मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। और उधर कोई क्योंकि दोस्तों भाई दोनों लोग नहीं है कन्हैया सारे नहीं है क्योंकि लोग गए हैं दवा को। जब तक हम लोग गए हैं देखने घर पर तब तक वो लोग चले गए थे। एक बार तो गए दोपहर में तब तो था। हाँ तब बाबू था, बाबू को खिला उला के आए हैं तो फिर इसके ऐसे लोग दवा लेकर आए हैं फिर पिलाए उलाए हैं दवा फिर अब फिर तो शायद पानी वानी पिलाए हैं तो मुंह में से शायद खून आ रहा है इसके लिए लेकर सब दोस्तों ढक्कन डाल लिया था और मुंह में से जब ढक्कन निकाले शायद नेल बड़ा बड़ा है तो शायद नेल से लगाए कि ढक्कन से लगाए कोई नहीं जान रहा है दोस्तों। इतना बड़ा ढक्कन जब मुंह में रहेगा तो बताइए ढक्कन से खरोच लगेगा ना। कहा बेटा कहा फिर वो आज गिरा दोस्तों। ये छोटा भाई तो घायल हो ही गया है, बड़ा भाई भी गाड़ी से अपने गिर के चोट नहीं लगा है। सब बैठी हुई हैं फिर उधर सलोनी है और भैया आज सुबह से खूब सोए हैं बहुत ज्यादा सोए हैं गुस्से में। देखिए दोस्तों स्कूटी अपना फेंक दिया है एकदम ताव में। और कहाँ हो गए लो सलोनी हाय बोलो बाय दोस्तों। वाओ बोले और तिरसा अपना लग रहा है थंबनेल बना रही है
इसीलिए हम व्यस्त हो गई है। अपना एक ब्लॉग तैयार किए दोस्तों, इसके बाद क्योंकि अभी छुट्टी है तो तिरसा वहिनी यहीं पर रहेंगी और इनके चैनल पे रोज ब्लॉग देखने को आप लोगों को मिलेगा। और भैया भी लग रहा ब्लॉग व्लॉग कुछ, क्योंकि टाइमिंग हो गया है भैया के वीडियो का, तो ये भी अपना एडिटिंग कर रहे हैं। इधर आशुतोष है, ये भी घूम रहे हैं इधर उधर, सब लोग मस्त होकर के इधर उधर घूम ही रहे हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और सब लोग खाना पीना खा लिए हैं। अभी सुबह के 9:05 या 10 हो रहा है और सभी लोग खाना वाना खा लिए हैं, बर्तन भी धुल लिए, किचन में पोछा भी लगा दिए हैं और सब काम फाइनल हो गया। बहुत खुशी हो रही है कि इतना सुबह हो गया और इसमें हेल्प कराई है जानकी भी हमारा, तो बहुत अच्छा लगा जानकी आई हुई है। और आज तो वोटिंग हो रहा है गोरखपुर और महाराजगंज, गाजीपुर, राजगढ़, बलिया, मऊ, सभी इधर सातवें चरण में जहाँ जहाँ भी चुनाव जो सातवें चरण में क्षेत्र आ रहा है जिला, वहाँ वहाँ चुनाव आज वोटिंग हो रहा है, तो सब लोग वोटिंग में लगे हुए हैं। और हमारे भी मम्मी पापा वोट डालने गए हुए हैं, यहाँ पर रूबा भाभी भी तैयार है घर जाने के लिए क्योंकि वो भी वोट डालने जाएंगी और सुबह से नहा धो करके तैयार है कि कब बुलावा आ जाए, मतलब ये होता ना महिलाएँ सखी सहेली बन करके जाती वोट डालने, तो ऐसे ही जाने वाली हैं। और शबनम नहीं वोट डालेगी, क्यों नहीं डालेगी, ऐसा नहीं कि उसका मूड नहीं है, अभी उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है शबनम का, तो इसीलिए शबनम जी वोट नहीं डालने जाएंगे और जल्द ही बन जाएगा उनका। और दोस्तों शबनम अपने दीदी दीदी याद करके रोने लगी है आज। शबनम से वीडियो कॉलिंग पे जब बात हुआ, वीडियो कॉलिंग पे जब बात हो रही थी तो शबनम बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई। पहले तो हंस बोल रही थी, खुश थी, हंस हंस के बतिया रही थी, लेकिन होता है ना कि दीदी बहन भाई ये सब प्यार ही ऐसा होता है कि आदमी भावुक हो जाता है। और दोस्तों अभी उधर देखिए आशुतोष लग रहा वीडियो कॉमेडी शूट कर रहे हैं, तो इतने साल रही है साथ में तो देखकर याद आ गया, अभी नया परिवार मिला है, नए लोग मिले हैं, वैसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों अपने भी तो परिवार की याद आएगी। नए लोगों के मिल जाने से पुराने लोगों का प्यार या याद या दुलार आदमी का कम नहीं होता या भूलता नहीं है, तो वही हाल शबनम जी का भी है। बहुत मिस कर रही थी, कहीं दीदी बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत याद आ रही है वहाँ की सब चीज़ें, तो भाभी बोली कोई बात नहीं जल्द ही आएंगे, तो भाभी भी जल्द ही शबनम से मिलने के लिए भी जाने वाली है और मिलने जाएंगी तो देखिए कितनी खुश होगी। सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि सरप्राइज दिया जाएगा, चुपके से जाया जाएगा उसके घर, बताया नहीं जाएगा, तो अब वो सरप्राइज कभी भी फोड़ सकता है। ठीक है, अभी बहरहाल मैं यहाँ पे इधर ब्लॉगिंग कर रही हूँ और भैया भाभी भी सब लोग जो है अपना उधर बातचीत उत कर रहे हैं, क्योंकि भाभी भी निकल जाएंगी तो फिर सब लोग अकेले हो जाएंगे। और हम भी अभी फटाफट सोचे हैं, ब्लॉग नहीं बनाए थे दोस्तों तो हम सोचे ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और शबनम जी मिस यू, बहुत याद आती है आपके किचन में जाते ही, तो क्या बताएं। इधर भाभी जो है आज सुबह सुबह एकदम रेडी हो गई हैं, बहुत बहुत ही सुबह सुबह रेडी हो गई हैं। हाँ दोस्तों, क्या करें, सुबह सुबह हम नहा धोकर पूजा किए हैं, इसके लिए शनिवार है ना, इसके हम तो सोचे वोट डालने के लिए, और वोट भी डालने जाना है दोस्तों इसके। अच्छा, सभी काम इसमें हो जाएगा, जरूरी तो पूजा था इसके लिए सुबह सुबह नहा लिए हैं। हाँ, शनिदेव पूजा करते हैं तो रेडी हो गई, बाकी कोई रेडी नहीं हुआ, सब लोग ऐसे पड़े हुए हैं। हम भी रोज रेडी नहीं होते थे दोस्तों आज। हाँ, कल रूपा भाभी दोपहर तक रेडी नहीं थी, एक वीडियो बना के वैसे ही डाली थी। और इधर भैया भी रेडी ही लग रहे हैं, और बड़ा वाला हाई देखा जल्दी जल्दी, कोई बोलेगा मेरा पेट है ना, सब बोलेंगे बोरी है गेहूँ की। और इधर भाभी हैं, आप वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, इनको वोट नहीं मिलता, इसलिए वोट डालने नहीं। आप आपका कौन सा पार्टी है बताइए, हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो दोस्तों भाभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है धूप में और भैया का चेहरा खराब है और इसीलिए
भाभी नहीं जाएंगी ना भाभी, बहुत दूरी है दोस्तों, गांव वाले घर पे जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, इसीलिए भाभी नहीं जा रही हैं। और भैया का तबीयत भी खराब है, देखिए उधर डाउन डाउन है, कल से एकदम खूब सो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डाउन है चेहरा। जानकी साड़ी दे, समझ ही नहीं आवा था। इधर का भाभी इधर उधर जाला आदमा। तो देखिए सबनम यहाँ बात कर रही है हम लोगों से, बहुत जल्द सबनम सब लोग मिलने वाले हैं, तीन दिन अब, तीन दिन बाद। चेहरे की स्माइल देखिए कितना खुशी है, देखा मिले कहे ये लाला आवा हो दीदी, बाप छोटा मन लग गए ना, ठीक कर दो। तो ये था कि सब लोग मतलब खाना पीना खा करके इधर उधर आलसी होकर के बैठे हुए, रूपा भाभी वोटिंग करने जाएंगी, बाकी कोई नहीं जाने वाला है। तो अब जो कुछ था आप लोगों को हमने वीडियो में अपने ब्लॉगिंग में दिखाया, अगर कुछ भी गलत बोले होंगे या कुछ गलत मुंह से निकला होगा तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।